आज के इस वीडियो में हम भीगे हुए बादाम खाने के फायदे जानने वाले हैं, बादाम खाने का सही तरीका और सही समय सारी बातें जानने वाले हैं। देखिए, बादाम खाना दिमाग और सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है। बादाम ना काफी पौष्टिक आहार होते हैं। दोस्तों, क्या आप जानते हैं बादाम खाने का सही तरीका क्या है? कई लोग बादाम को ना छिलकर खाते हैं, तो वहीं कुछ लोग इसको दूध या पानी में भिगोकर खाते हैं। लेकिन बादाम को खाने का सही तरीका क्या है, हम आपको बताने जा रहे हैं, वो भी डिटेल में। तो जानिए बादाम खाने के फायदे, बादाम खाने का सही समय और दिन में कितने बादाम खाने चाहिए। सबसे पहले जानेंगे एक दिन में आपको कितने बादाम खाने हैं। दोस्तों, एक स्वस्थ व्यक्ति को दिन में एक मुट्ठी बादाम खानी चाहिए, यानी करीब 56 ग्राम बादाम आप एक दिन में खा सकते हैं। 4 साल से बड़े बच्चों को आप दिन में 3 से 4 बादाम भिगोकर खिला सकते हैं। और हाँ, बादाम खाने का सही समय ना दोस्तों सुबह का होता है, मतलब खाली पेट आपको इसे खाना होता है। खाली पेट जब आप बादाम खाते हैं तो इसके ढेरों फायदे होते हैं। ठीक है, अब जानते हैं बादाम खाने का सही तरीका क्या है। देखिए, बादाम की तासीर ना गर्म होती है, इसीलिए इसे भिगोकर खाने की सलाह दी जाती है। ख़ासतौर से गर्मी के मौसम में और बारिश के मौसम में आपको इसे भिगोकर ही खाना चाहिए। आप बादाम को छिलकर या फिर बिना छिले कैसे भी खा सकते हैं, बस आपको इसे भिगोकर खाना है। ठीक है, अब आपने जाना है बादाम खाने का सही तरीका, समय और आपको एक दिन में कितने बादाम खाने चाहिए। अब भीगे बादाम खाने से कौन से फ़ायदे होते हैं, चलिए इस बारे में जान लेते हैं। देखिए, जब हम बादाम को भिगोते हैं तो ये लाइपेज जैसे कई सारे एंजाइम छोड़ता है, जो हमारे मेटाबॉलिज्म को बढ़ाने और वजन को घटाने में हेल्प करता है। इसमें मौजूद पोषक तत्व ना सुस्ती और थकान को दूर करता है। शरीर में ऊर्जा के लिए नियमित रूप से 4 से 5 भीगे हुए बादाम सुबह खाली पेट आपको खानी है। इससे आपको भरपूर एनर्जी दिन भर के लिए मिल जाती है। ठीक है, और हाँ, रोज़ सुबह भीगे बादाम खाने वाले लोगों की हड्डियाँ ना मजबूत होती हैं। दरअसल बादाम में कैल्शियम और दूसरे ज़रूरी न्यूट्रिएंट्स का बहुत ही अच्छा सोर्स माना जाता है, इसीलिए। ठीक है, और बादाम ना न्यूट्रिएंट्स से भरपूर होते हैं, जो शरीर में ब्लड क्लॉटिंग से बचाते हैं। और बादाम में अच्छी मात्रा में प्रोटीन और आयरन होता है, जिससे आपके बॉडी में खून की कमी दूर हो जाती है। इतना ही नहीं, मैग्नीशियम की कमी की वजह से ना इंसुलिन रेसिस्टेंट बढ़ जाता है। इंसुलिन रेसिस्टेंट बढ़ने से ब्लड शुगर का स्तर ना बढ़ने लगता है। शरीर में इसकी पर्याप्त मात्रा ब्लड शुगर प्रोफाइल और मेटाबॉलिक सिंड्रोम को बेहतर बनाती हैं। इसीलिए अगर आप एक शुगर पेशेंट हैं तो आप इसका सेवन ज़रूर कीजिए, भीगे हुए बादाम का। ठीक है, और हाँ, बादाम ना ओमेगा 3 और ओमेगा 6 फैटी एसिड से भरपूर होते हैं। और ना दोस्तों, ये हमारे बालों को मजबूत बनाने के साथ साथ चमकदार बनाने के लिए बहुत ज़रूरी है। तो बालों को घना, लंबा, चमकदार और शाइनी बनाने के लिए आप भीगे हुए बादाम खाएँ। और देखिए, बादाम में ना विटामिन ई की भरपूर मात्रा होती है, उम्र बढ़ने के संकेतों को कम कर देता है, जिसके परिणाम स्वरूप ना अगर आपके चेहरे पे दाग धब्बे हैं तो आपका चेहरा दाग रहित हो जाएगा, चमकदार और बहुत ही गोरा हो जाएगा। ठीक है, और हाँ, मैग्नीशियम ना शरीर के ब्लड प्रेशर को बनाए रखने के लिए जिम्मेदार होता है। तो इन सभी प्रॉब्लम से बचने के लिए आप भीगे हुए बादाम खाएँ, किडनीज को हेल्दी बनाएँ और अपने ब्लड प्रेशर को हमेशा कंट्रोल में रखें। तो दोस्तों, आप भी बादाम खाएं, वो भी भीगे हुए, और अपनी सेहत बना के हमेशा तंदुरुस्त रहें।